29 फरवरी को भाजपा के वरिष्ठ नेता सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे। घंटों तक चली बीजेपी की अहम बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। हालांकि सोशल मीडिया पर जो चीज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो अमित शाह की कार थी जिसमें वो यहां पहुंचे थे। गृह मंत्री की कार का ये नंबर प्लेट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। उनकी इस नंबर प्लेट को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि उनकी नंबर प्लेट CAA का विरोध करने वालों के लिए एक संदेश है। सूत्रों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले गृह मंत्रालय CAA नियमों की घोषणा कर सकता है। CAA का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रताड़ित नॉन मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है।